मैं यहाँ पे बैठा हूँ फुकुओका एयरपोर्ट पे, सुबह के 6 बजे यहाँ पर लोकल टाइम, 7 बजे मेरी बोर्डिंग है और मैं जा रहा हूँ हनोई। इट्स बीन अ वेरी हेक्टिक जर्नी और काफी सारा रोलर कोस्टर राइड था फ्रॉम पुणे टू दिल्ली टू फुकुओका, काफी अप्स एंड डाउन्स। फाइनली आई एम हियर और अब हनोई जा रहा हूँ। उसके बाद होपफुली रेस्ट ऑफ द ट्रिप विल बी यू नो किक एस। बढ़ा, अभी काफी थक चुका हूँ। आई एम बी ट्रैवलिंग फॉर लाइक 20 आवर्स एंड वाज रोलर कोस्टर राइड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस जर्नी में ऐसा क्या हो गया कि मैं इसे रोलर कोस्टर राइड बोल रहा हूँ। बताता हूँ, पर पहले थोड़ी वियतनामीज कॉफी हो जाए। वियतनाम इस कॉफी पी रहा हूँ वियतनाम का व्लॉग बनाते हुए, बेस्ट फीलिंग है अंदर। तो देखो, बात ऐसी है कि मैं पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट फॉर माय फ्लाइट टू वियतनाम और चेक इन काउंटर पे उन्होंने बोला कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, वीजा भी है। तो उन्होंने कहा कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे से हो गई एक गलती, वो भी बड़ी वाली, कि मैंने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक ही नहीं की और सीधे एयरपोर्ट चला गया। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास वीजा है, रिटर्न टिकट है, होटल अकोमोडेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सो प्लीज कैन यू डू समथिंग। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट साइड में रुकिए, और लकीली सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मुझे जाने दिया। और पूरे सफर में मेरे मन में एक ही टेंशन था कि कहीं से वापस ना भेज दे। काफी अजीब स्टेट ऑफ माइंड था मेरा, मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था, लाउंज एंजॉय नहीं कर पाया, फ्लाइट एंजॉय नहीं कर पाया, मुझे बस हनोई पहुंचना था सेफली, और लकीली मैं हनोई पहुंच गया। बट आप लोग मेरे से सीखे और केयरफुल रहिए, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम है तो पहले उसे रिन्यू करवा दीजिए और फिर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, और प्लीज फॉलो कीजिए। हनोई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है। मुझे पहुंचते ही समझ गया था कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, और जनरली कोई भी नई सिटी एक्सप्लोर करने में तो मज़ा आता ही है। यहाँ पर लोग काफ़ी स्वीट है और टू व्हीलर्स की संख्या अनगिनत है। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर के पास एक टू व्हीलर तो है ही। अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स नीचे महंगी कॉफी पीने के लिए। एशियन डॉल्चे लाटे काफी फेमस है यहाँ पर, तो वो ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसी है। बढ़िया है भाई, बहुत अलग कॉफी, बहुत ज्यादा अलग है। हनोई के दो पार्ट्स है, एक है ओल्ड क्वार्टर जहाँ पे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, कैफे वगैरह सब है, और एक ओल्ड सी वाइब है, वार्म वाइब्स भी बोल सकते हैं। और सेकंड पार्ट है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, और एक हाई क्लास एरिया है। दोनों ही पार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है, पर मजा तो ओल्ड क्वार्टर में ही आता है। अरे डे टू, आज हम जा रहे हैं हनोई ओल्ड क्वार्टर में रहने के लिए, हमारा स्टे चेंज है। पर एक बात है, यहाँ का जो व्यू है ना भाई, व्यू बहुत मिस होने वाला है, लाइक एपिक व्यू। बट अब हम जा रहे हैं ओल्ड क्वार्टर, थोड़ा ओल्ड वाइब है वहाँ पर, काफी बढ़िया वाइब है, और आपको दिखाता हूँ। अब वियतनाम में आके वियतनामीज कॉफी ट्राई नहीं की तो क्या ही किया मेरे भाई, क्या ही किया। तो फिलहाल मैं पी रहा हूँ वियतनामीज कॉफी, इस हाईलैंड्स कॉफी से मैं लेके आया हूँ। काफी बढ़िया चेन है यहाँ पे, काफी फेमस चेन है, आपको काफी सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। बट या टेस्ट ऑफ द कॉफी इज टॉप नॉच। ओल्ड क्वार्टर में हर वीकेंड पे लोग फुल ऑन मजा करते हैं। स्ट्रीट पे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, शेफ्स फूड सर्व करते हैं, और बिजनेस वाले नाइट मार्केट लगाते हैं। एंटरटेनमेंट, फूड एंड शॉपिंग, द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और इसकी वजह से ही ओल्ड क्वार्टर में हर वीकेंड में नेक्स्ट लेवल मजा आता है। और लकीली मैं हनोई में वीकेंड पे ही था, इसीलिए ओल्ड क्वार्टर पे मुझे भी नेक्स्ट लेवल मजा आया। अब हनोई से आप डे टूर्स भी कर सकते हो, हालोंग बे और निनबिन। मैंने ये डे टूर्स नहीं किए क्योंकि मेरे पास कम दिन थे, पर हालोंग बे एंड निनबिन आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और आपको ये डे टूर्स करने चाहिए। तो अगर आप हनोई विजिट करते हो तो ये दोनों डे टूर्स कर लो, काफी मजा आएगा। आज का आउटफिट, फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जिसका नाम है ट्रेन स्ट्रीट। आपने काफी जगहों पे देखा होगा कि रस्ते के बीच में ऐसा एक ट्रेन की पटरी है, वहाँ से ट्रेन जाती है और आजू बाजू काफी लोग रहते हैं। ये देखो, मैं आ गया हूँ ट्रेन स्ट्रीट पर। ये रेलवे की पटरी है और ये रही स्ट्रीट। अब यहाँ पर आसपास देख सकते हो कि घर है। फिलहाल तो ट्रेन नहीं आने वाली है, पर काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से।
अब वियतनाम की एक खास बात है कि खाना आपको काफी बढ़िया मिलेगा ओनली इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेज खाते हो तो ऑप्शंस लिमिटेड है, तो अपना खाना लेके जाइए, पर अगर आप नॉन वेज खाते हो तो सब जगह पे आपको बढ़िया खाना मिलेगा। हनोई में एक मस्त जगह है जिसका नाम है लोटे ऑब्जर्वेटरी सेंटर। यहाँ से पूरे हनोई का व्यू मिलेगा, बहुत ही बढ़िया बना है और क्या व्यू था भाई, नेक्स्ट लेवल। ओवरऑल हनोई में सिर्फ 2 दिन में हमने काफी कुछ एक्सप्लोर किया। मुझे तो हनोई से प्यार हो गया है, मैं डेफिनेटली वापस विजिट करने वाला हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज आउट देयर एंड बहुत नेक्स्ट लेवल वाइब है वहाँ पर। हनोई के बाद हम निकल पड़े दालात के लिए। इनिशियल प्लान में दालात नहीं था क्योंकि वी वर सपोज टू गो टू सापा। अब सापा के लिए हनोई से एक ट्रेन है और वो ट्रेन बंद थी, इसीलिए हमने दालात सिटी सिलेक्ट की एंड लक हमारे साइड पे था क्योंकि दालात इज इनक्रेडिबल। फिलहाल हम आए हुए हैं दलित सिटी में। सुबह बहुत जल्दी लैंड हुए थे इसलिए ज्यादा शूट नहीं किया, अब थोड़ा सो के रेस्ट करके शूट कर रहे हैं। और काफी एपिक सिटी है, छोटा सा फेरी लैंड टाइप है ये। अब आज के लिए हमने ऐसी बाइक्स रेंट की है तो इन बाइक्स पे घूमेंगे और आपको बाइक से व्यू दिखाता हूं भाई, एकदम मजा आने वाला है। दालात में एक वाइब है, यूरोपियन स्टाइल सिटी है और लोकल्स ने काफी अच्छे से मेंटेन किया है इस सिटी को। देयर इज अ लेक, द पीपल आर स्वीट, द कैफेज आर एस्थेटिक एंड द कॉफी इज इनक्रेडिबल। दालात में 2-व्हीलर चला के एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस एकदम अलग ही था। अब फर्स्ट डे पे हम एक कैफे पे गए थे जिसका नाम है लिटिल हाउस कैफे। ग्रेट कॉफी, एक्सीलेंट फूड एंड वार्म वाइब्स, और क्या ही चाहिए यार। और हाँ, दालात में ठंड भी बहुत थी, ग्लव्स लेने पड़ गए इतनी ठंड थी। तो अगर आप दिसंबर में दालात विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेक कर लो, बहुत ज्यादा ठंड थी। सेकेंड डे पे हम निकल पड़े फॉर साइट सीइंग। फर्स्ट ऑफ वॉज क्रेजी हाउस। नाम से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर सब कुछ क्रेजी था और सब कुछ एकदम क्रेजी तरीके से बनाया गया था। मुझे बहुत मजा आया इस छोटे से थीम पार्क में, सब कुछ एकदम क्रेजी था पर ब्यूटीफुल भी था। सेकेंड स्टॉप हमने लिया फेरी टेल लैंड में। इस थीम पार्क में सब कुछ एकदम फेरी टेल टाइप्स था, यहाँ पर मुझे इतना मजा नहीं आया, ओके था, आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टॉप के लिए हम काफी दूर गए, वो भी 2-व्हीलर पे एकदम ठंड में। वैसा क्यों किया, दैट्स बिकॉज ऑफ क्ले हाउस। प्ले हाउस एकदम मस्त है बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन वियतनाम। तो अगर आप दालात विजिट करते हो तो यहाँ पर जरूर जाना, बहुत ही बढ़िया फोटोज आएंगे और मजा भी उतना ही आएगा। प्ले हाउस होने का हम एकदम थक चुके थे एंड वी मेड आर वे बैक टू द सिटी सेंटर। तो साइट सीइंग के मामले में दालात में इतना कुछ नहीं है पर पूरी सिटी ही साइट सीइंग है। लाइक ट्रस्ट मी, 2 दिन में दालात से प्यार हो गया और यहाँ पर भी मैं डेफिनेटली वापस विजिट करने वाला हूँ। दालात के बाद हम चल पड़े या उड़ पड़े टुवर्ड्स दानांग। अब दानांग में 2 सिटीज है, दानांग एंड होयान। ये दोनों बीच के पास में है और काफी इंटरेस्टिंग है। हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था होयान में एंड दिस वॉज द बेस्ट एयरबीएनबी आई हैव एवर बीन टू, बेस्ट बिकॉज ऑफ द होस्ट किम। तो गाइस हम यहाँ पर आए होयान में हमारे एयरबीएनबी पे, उन्होंने हमारा नाम लिख के रखा है यहाँ पर, हर्ष फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, थैंक यू किम। तो यहाँ पर हमने बुक किया है एक एयरबीएनबी जो ऐसा ओल्ड वियतनामी स्टाइल में है, तो पूरा वुडन कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी आरसीसी या यू नो कॉन्क्रीट नहीं है। किम ने जो वार्म वेलकम दिया हमें, उसकी वजह से हमें इतना ज्यादा मजा आया और बहुत ही होमली फीलिंग आई। दैट्स द मेन थिंग आफ्टर ऑल, द होस्ट शुड बी गुड एंड किम वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम। नाउ होयान इज नोन फॉर 3 थिंग्स, देयर बीच व्हिच इज एक्सट्रीमली क्वाइट एंड पीसफुल, देयर एंशियंट टाउन व्हिच इज वेरी हैपनिंग एंड इनक्रेडिबल, एंड देयर टेलर्स व्हिच आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन मेकिंग क्लोथ्स एंड शूज।
फर्स्ट डे पे शाम को हम चले गए एंशिएंट टाउन में और यहाँ पे अलग ही वाइब थी। यहाँ पर एक लेक है जिसमें रात को बोट राइड्स होते हैं, तो हम भी बोट में चढ़ गए, बोट राइड कर ली और लोग यहाँ पर लेक के बीच में लैंटर्न जलाते हैं तो हमने भी जला लिए। लैंटर्न जला के पानी में छोड़ने में एक काफी पॉजिटिव सी वाइब आई। उसके बाद कुछ स्ट्रीट फूड खाने का मन किया तो हमने खा लिया ये बनाना नटेला पैनकेक्स, एंड ट्रस्ट मी दीस वर द बेस्ट बनाना नटेला पैनकेक्स दैट आई हैव एवर हैड, और मैंने 3 खा लिए भाई, इतने बढ़िया थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग किम ने हमारे लिए इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया था कि क्या ही बताऊं, फ्रेश टेस्टी एंड हेल्दी, एकदम बढ़िया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े टुवर्ड्स बाना हिल्स विच इज द मेन अट्रैक्शन इन दानांग। अब बाना हिल्स एक थीम पार्क है और काफी बड़ा थीम पार्क है, इनफैक्ट थीम पार्क तक पहुंचने के लिए एक केबल कार है जो कि काफी लंबी राइड है और केबल कार में बहुत ज्यादा मजा आया। अब मजा आने के 2 रीजंस थे, नंबर 1 व्यू काफी नेक्स्ट लेवल था और नंबर 2 केबल कार की राइड लेंथ काफी लॉन्ग थी, ऐसा नहीं था कि केबल कार 10 या 15 मिनट में खत्म हो गई, काफी लंबी राइड है। अब ऊपर बाना हिल्स पे पहुंचते ही वेदर कंडीशंस काफी खराब थे, बहुत क्लाउडी वेदर था और बारिश भी हो रही थी, पर अब हम पहुंच ही गए थे तो हमने सोचा चलो घूम लेते हैं। सबसे पहले हम चले गए गोल्डन ब्रिज, कुछ दिख नहीं रहा था, विजिबिलिटी काफी कम थी बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर, पर फिर भी मजा बहुत आया। विंड्स वर एक्सट्रीमली फास्ट बट आवर जोश वॉज हाई और इसीलिए काफी बढ़िया फोटोज आए। गोल्डन ब्रिज देखने के बाद बारिश काफी तेज हो गई इसलिए हमने इंडोर एक्टिविटीज ही किए, जैसे कि डैशिंग कार्स में बहुत ज्यादा मजा आया और बाकी के इंडोर एक्टिविटीज भी एकदम मस्त थे। आउटडोर एक्टिविटीज हम कर नहीं पाए क्योंकि वेदर वॉज नॉट ऑन आर साइड, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली बैड। बाना हिल्स में एक सेल्फ राइडिंग रोलर कोस्टर भी है जो हमें करना था बट बिकॉज ऑफ बैड वेदर वो भी बंद था, तो अगेन लक वॉज नॉट ऑन आर साइड बट वी स्टिल हैड अ लॉट ऑफ फन एट बाना हिल्स बिकॉज ऑफ द केबल कार राइड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेदर, लाइक वी लाइक द वेदर बट हेटेड इट एज वेल, लाइक अ लव हेट रिलेशनशिप। बट एनीवे, बाना हिल्स के बाद हम चले गए वहां पे एक मंदिर में जहां से व्यू नेक्स्ट लेवल था, लाइक पूरे ओशन का व्यू था और साइड में सिटी भी थी, दानांग सिटी, मजा आया उधर भी। अब स्ट्रीट फूड हम स्टार्टिंग से खा रहे थे और एक पर्टिकुलर आइटम है जो हमने सब जगह खाया जिसका नाम है बामी या बनमी, पर बेस्ट बामी हमने खाया एंशिएंट टाउन होयान में, लाइक क्या मस्त बामी बनाया, इट वाज लाइक अ सैंडविच, इसमें वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस थे और काफी मस्त बनाते हैं ये लोग और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, 70-80 रुपए का होता है, काफी फिलिंग भी होता है और खाने में मजा भी आता है। लास्ट डे इन वियतनाम और काफी बुरा लग रहा है क्योंकि इस कंट्री को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर लास्ट डे है, 2-3 एक्टिविटीज बचे हैं अभी हम करने जा रहे हैं और उसके बाद वी हैव अ फ्लाइट बैक टू अहमदाबाद देन टू पुणे। लास्ट डे पे हम सुबह चले गए बीच पे, काफी एक चिल वाइब थी, हमने काफी चिल किया और उसके बाद हम चले गए कोकोनट विलेज में। कोकोनट विलेज विजिट करना है था क्योंकि हमने सबसे पहले कोकोनट बोट राइड की जो कि काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है और उसके बाद कोकोनट बोट में हमने झूम भी लिया, लाइक क्या नेक्स्ट लेवल लोग बोट घुमाते हैं, बहुत मजा आता है, आपकी पूरी की पूरी दुनिया हिल जाएगी पर मजा बहुत आएगा, तो अगर आप होयान विजिट करते हो कोकोनट विलेज मिस मत करना। ये सब के बाद वी सेड गुड बाय टू किम एंड मेड आर वे बैक टू द एयरपोर्ट। नॉर्मली इतने दिनों में मैं होमसिक हो जाता हूँ पर इस बार एक्सपीरियंस अलग था। वियतनाम हैज अ वेरी वार्म वाइब, इसका मेन रीजन है कल्चर, द पीपल, द फूड, द एक्सपीरियंसेस आर वेरी वार्म एंड दैट्स व्हाई यू डोंट फील लाइक लीविंग द कंट्री। मैं डेफिनेटली वियतनाम वापस विजिट करने वाला हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा मजा आएगा इस कंट्री में, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, तो अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो आप वियतनाम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इतनी बढ़िया कंट्री है। सो या दैट्स बीन इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू अराउंड वेरी सून, बाय बाय।